like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. हम ब्रेकफास्ट करके निकल गए अब खजियार के लिए। रास्ते में चलते चलते एक हो गई हमारे साथ ट्रेजडी टाइप, ट्रेजडी तो नहीं कहेंगे, टायर पंचर हो गया बाइक का सीएम की। अब हम यहाँ से टायर खोल के ले जाएंगे नीचे डलहौजी और वहाँ से पंचर बनवा के लाएंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम इस टाइम पे डलहौजी में, और डलहौजी में हमने मेन डलहौजी में रूम लिया है और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं खजियार के लिए। तो यहाँ चलिए पैकिंग शैकिंग, ये देखिए पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट हमने कर ली है। ये भैया हमारा सामान लेके जा रहे हैं ऊपर बाइक पे, और काफ़ी अच्छे रूम्स थे, रात को बढ़िया टाइम स्पेंड हुआ यहाँ पे, और वेदर जो है वो बहुत प्लेजेंट है। और अब हम यहाँ से पहले पहुँचेंगे ऊपर बाज़ार में, और बाज़ार से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे हम खजियार के लिए। सही है, भाई भी हमारे रेडी हो गए हैं और गगन भाई भी बिल्कुल तैयार है उड़ने के लिए। तो बाइक में हम लोगों ने सामान वगैरह बांध के रेडी कर दिया है, ये देखिए सयम पूरा रेडी है, गगन, और ये हमारे पीयूष द राइडर। तो सब कुछ डन करके अब यहाँ से हम निकल रहे हैं बाज़ार की तरफ, तो सामान वगैरह सब बांध के यहाँ से अब हम निकल रहे हैं बाज़ार की तरफ। बाज़ार में करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद जाएंगे हम खजियार। हम ब्रेकफास्ट करके निकल गए अब खजियार के लिए, और खजियार का रास्ता डलहौजी के चौराहे से, सुभाष चौक जैसे कहते हैं, उससे गया हुआ है सीधे राइट हैंड साइड पे। क्या रोड है भाई साहब, मज़ा आ गया, अति सुंदर। अब हवा कम है या पंचर है? रास्ते में चलते चलते एक हो गई हमारे साथ ट्रेजडी टाइप, ट्रेजडी तो नहीं कहेंगे, टायर पंचर हो गया बाइक का सीएम की। अब हम यहाँ से टायर खोल के ले जाएंगे नीचे डलहौजी और वहाँ से पंचर बनवा के लाएंगे। ये लग गया है सीएम की बाइक में टायर पंचर जुड़वा के, अब हम निकलेंगे यहाँ से आगे खजियार की तरफ। तो पंचर जुड़ा के टायर लगवा के हम लोग निकल रहे हैं अब आगे खजियार के लिए, और हमें पंचर जुड़ाने में काफ़ी दिक्कत आई क्योंकि सयम की बाइक का पिछला टायर हमें निकालना आया है, और पिछला टायर निकालने के लिए हमें वापस जाना पड़ा डलहौजी, डलहौजी से लेके आने पड़ा एक मैकेनिक को, फिर मैकेनिक ने टायर खोला, टायर खोल के फिर हम वापस डलहौजी ले गए, डलहौजी में पंचर जुड़ाया, पंचर जुड़ा के फिर मैकेनिक को लेके आए और मैकेनिक से फिर टायर फिक्स कराया, तो इसमें हमें करीबन 3 घंटे लग गए। सिंगल रोड है ये, मुझे हॉन्किंग वैसे पसंद नहीं है, बट यहाँ पे कुछ ऐसे टर्न है जो बिल्कुल ब्लाइंड है, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि आगे से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसको अलर्ट करने के लिए एक बार सिंगल हॉर्न देना पड़ रहा है। ये एंटर कर रहे हैं हम खजियार में, ये खड़े हैं हमारे विशाल दा, bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Ah, 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 ah.
गाइस इस समय हम पहुंच चुके हैं खजियार पे, जहाँ पे हमने रूम लिया है। यह है हमारा रूम, यहाँ पे है हमारा रिजॉर्ट, शाइनिंग स्टार रिजॉर्ट। अंदर लिया है यहाँ पे रूम हमने, और बालकनी से व्यू बहुत बढ़िया है, वो सुबह दिखाएंगे। अभी एक्चुअली यहाँ देख रहे होंगे आप, पूरा फॉग आ गया है, इस से आगे का व्यू दिख नहीं रहा है, बट हाँ सुबह आपको बालकनी का व्यू भी दिखाएंगे। तो गाइस इस टाइम पे हम यहाँ बुग्याल के सामने एक रेस्टोरेंट है, वहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। देखिए ये कर रहे हैं हम ब्रेकफास्ट, और यहाँ से ये आ रहा है पूरा बुग्याल का व्यू। ब्रेकफास्ट नहीं बोलता। तो गाइस खजियार से हम लोग निकल रहे हैं बैरागढ़ के लिए, बीच में हम रुकेंगे चंबा रुकेंगे, और उसके बाद सीधे निकलेंगे बैरागढ़। तो बाइक्स वगैरह सब रेडी हो गई हैं, चेतन भाई और पीयूष आगे निकल चुके हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं आगे। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ, आज हम आपको ले जाएंगे बैरागढ़ तक, और कुछ दिखाएंगे चंबा की जगह।